हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ब्लॉग सचित। सो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्लॉग सचित चैनल पर। सो गाइस, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस, आज की वीडियो हमारी आईसी कॉलेज, जो कि हमारे ग्रेटर नोएडा में है कॉलेज, बड़ा बेहतरीन कॉलेज है पढ़ाई के मामले में, और पूरी डिटेल में बात करेंगे आईसी कॉलेज के बारे में, सारी चीज़ें बताऊँगा आपको। इस कॉलेज को मैं पर्सनली ज़्यादा जानता हूँ, क्योंकि इस कॉलेज में जो मैं पीजी में रहता था वहाँ पर, उसी पीजी में आईसी कॉलेज के स्टूडेंट रहते थे मेरे साथ, मेरे रूममेट्स थे वो। सो दोस्तों, ये जो कॉलेज है हमारा आईसी कॉलेज, ये हमारे ग्रेटर नोएडा में है, परी चौक से आपको ऑटो मिल जाएगा डायरेक्ट आईसी कॉलेज का, 10 रुपये लेगा बस ऑटो वाला, और आपको सीधे आईसी कॉलेज पर छोड़ देगा। और गाइस, ये आप जगत, अगर आपको परी चौक से ऑटो नहीं मिल रहा है इजीली आईसी कॉलेज का, ज़्यादा पैसे मांग रहा हो कोई आपसे ऑटो वाला, कोई बदतमीजी कर रहा हो, तो आप कुछ मत करना, उसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जगत फार्म का ऑटो कर लेना, जगत फार्म का ऑटो करोगे तो 10 रुपये लेगा जगत फार्म। आप आ जाना जगत फार्म, जगत फार्म से आईसी कॉलेज मैप लगा लेना और किसी से पूछ लेना, आपको कोई भी बता देगा। सिर्फ 5 मिनट का डिस्टेंस है आईसी कॉलेज से, जगत फार्म से आईसी कॉलेज। गाइस, इस कॉलेज की बात करता हूँ, तो ये जो आईसी कॉलेज है, ये काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है गाइस, बहुत ही पुराना कॉलेज है ये, और एक टाइम में ग्रेटर नोएडा में गलगोटिया कॉलेज एंड आईसी कॉलेज का नाम था, मतलब हर आदमी चाहता था एडमिशन मिलना। और गाइस, पढ़ाई तो लिटरली बता रहा हूँ बहुत अच्छी थी, और अभी भी आईसी कॉलेज की काफ़ी अच्छी है पढ़ाई वगैरह, पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छा कॉलेज है गाइस। आपको जो लेक्चरर की बात करूँ, आपको सबसे ज़्यादा सपोर्टिव यहीं पर ही हैं गाइस। और पर प्लेसमेंट के बात करें, हम प्लेसमेंट के रिलेटेड बात करेंगे हम इस कॉलेज के लिए, तो गाइस बिल्कुल जीरो प्लेसमेंट नहीं है इस कॉलेज के अंदर, अगर आप कोर ब्रांचेस लोगे तो बिल्कुल भी नहीं है, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। सो गाइस, जो प्लेसमेंट की बात करें आईसी कॉलेज के अंदर, तो बिल्कुल नहीं है प्लेसमेंट, लिटरली बताता हूँ आपको। थोड़ा बहुत प्लेसमेंट है आपको ना, मतलब कंपनीज में ऑफ कंपनीसिंग का टाई अप है, बट कंपनी कॉलेज के अंदर नहीं आती है कंपनी, मतलब आपके कॉलेज वाले जो आईसी कॉलेज वाले होते हैं, वो आपको कंपनियों में भेजेंगे डायरेक्ट, कि आप वहाँ पर कंपनी के अंदर जाओ और आप वहाँ पेपर दो, कंपनी के जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो भी राउंड्स होते हैं वो दोगे, उसके हिसाब से आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको ग्रैब कर सकते हो आप। आपको अपॉर्चुनिटी बताएंगे आपको, पर लिमिटेड रहेंगी, इतना आपको नहीं, जो जीएल बजाज, एनआईटी या गलगोटिया में जो कंपनी का दबदबा रहता है, मतलब कॉलेज के अंदर जो कैंपस में आती हैं, पर आईसी कॉलेज में कैंपस में बहुत कम कंपनी आती हैं, ज़्यादातर वो लोग कंपनियों के ऑफिस में भेजते हैं अपने स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट के लिए। सो गाइस, ये बहुत अच्छी चीज़ है प्लेसमेंट, और आप खुद भी ऑफलाइन भी देख सकते हो, अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी रहती हैं सीएसआईटी के लिए, और कोर ब्रांचेस के लिए भी रहती हैं, बट कोर ब्रांचेस में इतना पैकेज नहीं है, जो आप मैकेनिकल वगैरह का देखोगे या कुछ भी, तो उसमें आपको इतना पैकेज नहीं मिलेगा। तो मैं आपको रेफ़र यही करूँगा कि आप सीएस या आईटी लेना, और ऑफ कैंपस या कॉलेज से ट्राई करना। सो दोस्तों, इस कॉलेज के अंदर आज अब एडमिशन की बात करते हैं गाइस, तो इस कॉलेज में आपको एडमिशन आराम से मिल जाएगा, और कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं। सो गाइस, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, आपसे रिक्वेस्ट है गाइस, मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने की, और मैं सारे कॉलेजेस के रिव्यू देता हूँ, बिल्कुल हॉनेस्ट रिव्यू देता हूँ, क्योंकि मैं भी एक बीटेक स्टूडेंट हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि आपकी लाइफ डिस्पॉइल हो, या आपको जैसे आप कोई कॉलेज में चूज़ करते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम आपसे ज़्यादा मेरे को होगी गाइस, तो इसलिए मैं इस बात का बिल्कुल विशेष ध्यान रखता हूँ, हॉनेस्ट रिव्यू देता हूँ, और नहीं पता होता तो मैं आपको क्लियरिटी के साथ बताता हूँ। कभी भी मैंने किसी को ये नहीं बोला आप इस कॉलेज में प्लेसमेंट लो या इसमें लो या इसमें लो, मैं डायरेक्टली आपको बोलता हूँ कि हाँ ये कॉलेज अच्छा है, इसके मेरिट ही हैं, इसके डिमेरिट ही हैं। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर देना, तो मैं आपको उसकी कट ऑफ के बारे में बताता हूँ गाइस। तो जो कट ऑफ है इस कॉलेज की, नॉर्मली आपको कुछ नहीं करना, 60% होनी चाहिए आपकी 12th में, और 80% होगी तो आपको इजीली मिल जाएगा डायरेक्ट एडमिशन आईसी कॉलेज के अंदर। और गाइस, जो फीस की बात करें इस कॉलेज के अंदर, वो है हमारी फीस 1,20,000 रुपये। और गाइस, अगर आपका कोई जान पहचान का इस कॉलेज में पहले से पढ़ता हो, तो आप उससे कम भी करा सकते हो फर्स्ट ईयर की फ़ीस, कि मेरा भाई वगैरह पढ़ता है इस कॉलेज में, कि वहाँ पर आप बात कर सकते हो डायरेक्टर वगैरह से, कि वो रेफरल देंगे कि मेरा भाई है, मैं उसका एडमिशन अपने कॉलेज में कराना चाहता हूँ आईसी कॉलेज में, तो वो कुछ आपकी फ़ीस डिडक्ट करा सकते हैं, क्योंकि उनके पास मतलब ये रहता है इस कॉलेजों में। अगर आपके किसी भी प्राइवेट कॉलेज में अगर जान पहचान के बंदे, अगर आपके कॉलेज में होता है, नहीं हर कॉलेज में नहीं होती ये चीज़, बट कुछ कॉलेजेस में होती है, तो आईसी में भी ऐसा होता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे पता है इसके बारे में, क्योंकि मैं पीजी में रहता था, तो कुछ बंदे मेरे को बताते थे, इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है इस कॉलेज की, तो आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ, आप फीस कम करा सकते हो इस कॉलेज की, अगर आपके कोई जान पहचान है कॉलेज के अंदर, किसी टीचर से या किसी स्टूडेंट से, कोई भाई बंधु आपका हो, तो आप उसे कम करा सकते हो कि मेरे को एडमिशन लेना है इस कॉलेज के अंदर, तो आप फीस कम करा दो। मान लो 1,20,000 रुपये जो फीस है, आप उसमें से 20-25-30,000 रुपये कम करा सकते हो, बट फीस जो कम होगी गाइज आपकी, वो ओनली फर्स्ट ईयर की कम होगी, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर नहीं होगी गाइज,
और गाइस पढ़ाई के मामले में कॉलेज बहुत अच्छा है, बट प्लेसमेंट की भी अपॉर्चुनिटी देता है, बताता है, कॉलेज पूरी हेल्प करेगा आपकी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, और आप खुद भी रेडी हो जाना थर्ड ईयर में। ऐसी बात नहीं आप सो ना, आप कॉलेज के ऊपर डिपेंड बिल्कुल मत रहना, कोई भी कॉलेज के ऊपर डिपेंड मत देना, किसी भी कॉलेज में, आईसी कॉलेज के लिए आप नहीं, हर किसी भी कॉलेज की बात करें तो किसी पर भी डिपेंड नहीं रहना, आपको खुद भी एक्टिव रहना है थर्ड ईयर के बाद ही, कि अब मेरा प्लेसमेंट का टाइम आने वाला है, बिल्कुल नज़दीक हो जाओ, तो अपनी स्किल्स पे इंप्रूव करना, जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ इस वीडियो में बता रहा हूँ, अपनी स्किल्स पे काम करोगे तो कभी परेशान नहीं रहोगे प्लेसमेंट के लिए, जॉब के लिए कभी परेशान नहीं रहोगे, क्योंकि मार्केट में जॉब बहुत हैं, आपकी जो स्किल्स होंगी वो आपका साथ देंगी, और आपका कोई साथ नहीं देगा, आप सोचो कॉलेज मेरा साथ दे देगा, आपको बिठा देगा कंपनी में, हो गया, ऐसा नहीं होता गाइस, कंपनी वाले भी स्किल्स के ऊपर आपको सिलेक्ट करेंगे। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। इस कॉलेज की एडमिशन की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था 60% आपकी होनी चाहिए अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हो मेरिट बेस पर, या आप कॉलेज में जो कॉलेज के टेस्ट वगैरह होते हैं फॉर्मेलिटी वाले टेस्ट होते हैं अगर आप बात करोगे, पर आप डटे रहना, अगर वो आपको CSIT नहीं देते IC कॉलेज में तो आप मत लेना एडमिशन का, ये मैं पहले बता दूं, आप मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल लोगे, अगर आपको प्राइवेट जॉब करनी है कंप्यूटर साइंस में, और आप सोचो मैं EC लेके अगर मैं CSIT में बैठूंगा तो कहीं सी गलती मत करना, EC ले लेना पर दूसरे कॉलेज में लेना, IC में मत लेना, IC में लेना तो CSIT ही लेना, क्योंकि आपको माँ इसका स्कोप मिल जाएगा। अच्छा अभी मजा आएगा ना, तो JEE Main की जितनी रैंक होगी आपकी, ये कम रैंक पे भी कॉलेज मिल जाएगा, तो आप चूज़ कर सकते हो अपने रैंक के अकॉर्डिंग, और आप बिल्कुल डायरेक्ट रैंक थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है वो मैं आपको बता दूंगा। इस आप AKTU से इसका जो है एफिलिएशन है इस कॉलेज का गाइज, जो इसका एफिलिएशन है दोस्तों वो AKTU से है, और गाइज फीस की बात मैंने आपको बताई दी है, 1,20,000 इसकी फ़ीस है, कम ज़्यादा होती रहती है, कम तो नहीं होगी गाइज, बढ़ेगी फ़ीस, क्योंकि आपको पता ही प्राइवेट कॉलेज की मारामारी चल रही है BTech की, और BTech ऐसी बात नहीं है, डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पर, BTech अच्छी, बहुत अच्छी भी चीज़ है, और कुछ लोगों के लिए बुरा भी है BTech, जो भाई ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। तो इस कॉलेज के अंदर आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों मिल जाएगी आपकी, और यहाँ पर BCA वगैरह आपको, BTech काफ़ी कोर्सेज हैं गाइस, तो आप देख लेना, और मैं आपको स्क्रीन पे आपको डाल भी देता हूँ, आप देख सकते हो सारे कोर्सेज हैं अंडर ग्रेजुएट के और पोस्ट ग्रेजुएट के, ठीक है गाइस, तो आप लाइक जरूर कर देना वीडियो पर, ठीक है, मोटिवेशन मिलती है गाइस, वीडियो देख रहे हो तो लाइक करके जरूर जाना गाइस, बहुत मोटिवेशन मिलती है गाइस, ठीक है, अपने और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो ये वीडियो, और इसे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी, और यूट्यूब पर भी एक एल्गोरिथम होती है कि रीच बढ़ती है गाइस, इससे हम एक वीडियो बनाने का एक मोटिवेशन मिलता है, जो मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए और आपके लिए की गाइस, ठीक है। सो गाइस बात करते हैं इसमें एडमिशन की, तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपको CSIT ले सकते हो आप गाइस इसमें, जो हाँ आप लोग सोचो रचित भाई जो फीस है वो 1,20,000 है, उसके अलावा और कोई फीस तो नहीं है, तो गाइस एक फीस और है इसमें, एडमिशन फीस, जो आपकी हर साल लगेगी, जो हमारी 8,000 से 9,000 के अराउंड आपकी फ़ीस होगी एडमिशन फ़ीस, जो कि AKTU के लिए जाएगी, APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से इसका एफिलिएशन है, वो उनके क्रेडिट में जाएगी, ठीक है, वो कॉलेज वाले उनके हाथ में नहीं जाएगी और वो उन्हीं के पास जाएगी वो फीस, उससे आपका रिजल्ट वगैरह आपका जो होगा वो डिक्लेयर यूनिवर्सिटी मार्कशीट सब कुछ वहीं से AKTU से आएगा गाइस, एफिलिएशन वहीं से है इसका, और जो अप्रूव्ड है वो AICTE से अप्रूव्ड है ये कॉलेज। इस कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी की बात करें तो इसके कॉलेज के अंदर डिजिटल लाइब्रेरी है, जो कि बहुत अच्छी लाइब्रेरी है आपको, और काफ़ी इंडस्ट्रियल विजिट होती है इस कॉलेज के अंदर, काफ़ी आपको BSNL वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी बता रहा हूँ जहाँ ये लोग अपने स्टूडेंट को ले जाते हैं BSNL वगैरह में विजिट कराने के लिए, और काफ़ी कैंपस टूर वगैरह मतलब कैंपस में भी कंपनीज आती हैं अपना मतलब एक तरह का एक आइडिया मतलब स्टार्टअप वगैरह दिखाने के लिए। सो गाइस हॉस्टल है जो कैंटीन है बहुत ही बेहतरीन, हॉस्टल आप रेफर कर सकते हो, हॉस्टल काफ़ी अच्छा है और कैंटीन भी काफ़ी अच्छी है, और गाइस बात करें अगर आपको PG वगैरह चाहिए तो आपको बिल्कुल कॉलेज के सामने PG मिल जाएगा, बीटा में काफ़ी PG हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है गाइस, अगर आपको कोई चाहिए और रिकमेंड चाहिए मेरे साइड से तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं IC कॉलेज के सामने ही बीटा जगत फार्म है, और आपको खाने वाने की कोई दिक्कत नहीं है कि जगत फार्म में आप आराम से कुछ भी खा सकते हो बाहर, जो भी आपको फास्ट फूड या रोटी नान दाल दूल जो भी खानी है आपको, ठीक है, तो खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल कॉलेज के पास आपका एकोमोडेशन की कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से PG में रहो या हॉस्टल में रहो अपने कम्फर्ट के हिसाब से गाइज, ठीक है। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो कैसी लगी हो गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।